जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज आप लोग का अपने चैनल मेरा प्रशास 2020 पर आप लोग का मैथ का प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। जो सारी क्वेश्चन होगा, सारी एग्जाम में अटेम्प्ट भी होगा, और ये जो चैप्टर रहेगा आप लोग का, ये रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस दोस्तों, टाइम डिस्टेंस है, रेल है, वर्क और टाइम है, ये जितना भी होता है ये सारा हम लोग तीन ही फॉर्मूला से पढ़ लेते हैं। टाइम डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस हो गया। और उसके बाद दोस्तों देखिए, तो टाइम हो गया और डिस्टेंस हो गया, तो टाइम और डिस्टेंस, और यहां पर हो जाएगा आपका वर्क। तो कभी कल क्या होता है कि टाइम वर्क से क्वेश्चन पूछ लेता है, टाइम डिस्टेंस से कर लेता है, और कभी कभी रेल से बोल लेता है। तो दोस्तों देखिए, ये खी चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइम डिस्टेंस को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो जितना भी ये क्वेश्चन है सब क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम टाइम एंड डिस्टेंस लेकर चले। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारा समय यदि क्वेश्चन यदि किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से क्यों नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों नहीं करते हैं कि जो किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को देखिए, जब किलोमीटर पर चलेंगे तो किलोमीटर मतलब कितना मीटर होगा, इसमें 1000 मीटर हो जाएगा। अब बोला है घंटा, तो देखिए, तो जो किलोमीटर का जो सबसे छोटा यूनिट है क्या है, मीटर है, यानी कि ये क्या हुआ, तो मीटर हो गया। और टाइम यानी कि ये तो घंटा है, तो घंटा का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो सेकेंड होता है, तो 36 सेकंड होता है। यानी कि देखिए, 1 किलोमीटर यानी कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा बराबर कितना है दोस्तों, 3600 सेकंड होता है। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा, यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पर 36 बचा। जब इसको हम कट करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 10 और 18 2 36, मतलब 5 2 10 और 18 2 36, यानी कितना आ गया, 5/18 आ गया। तो दोस्तों बहुत से क्या होता है कि बहुत से हम लोग भूल जाते हैं कि कब कहाँ पर 5/18 करें, कहाँ पर 18/5 करें। तो बहुत आप लोगों को अच्छा से ट्रिक बताएंगे ताकि इस ट्रिक से आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन हम भूलते हैं कि कभी हम 18 ऊपर कर देते हैं तो कभी 5 नीचे कर देते हैं। लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा, देखिए किलोमीटर से छोटा क्या होता है, मीटर, और घंटा से छोटा क्या होता है, सेकंड। तो देखिए, अगर ये 12 से यदि छोटा में चेंज करेंगे तो जो 5 वाला यानी कि जो इसमें से 5 और 18 इसमें से बड़ा कौन है, इसमें 18 क्या है, बड़ा है, और 5 क्या है, छोटा है। तो यदि 12 से छोटा में चेंज करेंगे तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, यानी कि 5/18 हो जाएगा। और यदि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, यानी देखिए छोटा से बड़ा में कर रहे हैं, तो छोटा से बड़ा में कर रहे हैं तो क्या होगा, बड़ा वाला ऊपर रहेगा और छोटा वाला नीचे हो जाएगा। यानी आप लोग का कंफ्यूजन पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यानी कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, देखिए इसका स्पीड कितना है दोस्तों, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसको स्पीड बोलते हैं, यानी कि हम ऐसे लिख दिए, इसको स्पीड लिखिए, स्पीड। उसके बाद बोल रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर यानी कि 4/5 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे यहां पर बोला है, क्या बोला है कि तो 4/5 किलोमीटर क्या करना है, डिस्टेंस को कवर करना है, तो कितना दूरी लगेगा, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर किलोमीटर सेकंड में क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर, तो सेकंड में पहले इसको चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 45
आज देखिए छोटा से बड़ा से छोटा में करने के लिए बोले तो क्या बोलेगी, 5 ऊपर रहेगा और 18 नीचे रहेगा। देखिए 5 9 45 और 2 9 18 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए यहाँ पर क्या है, 4/5 है, तो 4/5 को क्या करेंगे तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 200 और 200 चौका कितना होगा 800। देखिए दोस्तों 800 मीटर को कवर करना है कितने समय में, तो 25/2 प्रति मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, तो अब हम क्या करें यहाँ पर, तो टाइम टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो टाइम बराबर सूत्र क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई कितना होता है, चाल कितना है, तो एस मतलब स्पीड। देखिए तो स्पीड कितना है, चाल कितना है, टोटल दूरी कितना है, तो 800, और स्पीड कितना है, तो 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 800 हो जाएगा और 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25। देखिए तो कितना होगा, 25 75, तो कितना बचा, 5 0 25 2 50। अब 32 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 64, यानी कि 64 सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग चलते हैं, जो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया है क्वेश्चन, और सेम जो भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, ये भी क्वेश्चन जस्ट आप लोग का एसएससी का ही क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का सारी क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक वायुयान किसी दूरी का 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया है, तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 240 किलोमीटर मतलब यानी कि 60 मिनट। देखिए 1 घंटा में कितना चलेगा, तो 240 किलोमीटर चलेगा। अब बोला है तो 5 घंटों में तय करता है इसको, देखिए इसको कितना देर में तय करना है, यानी कि टाइम दिया है 5 घंटे में क्या करना है, इसको तय करना है, तो 5 घंटा में तय करता है, तो उस दूरी को इतना घंटे में दूरी के लिए उसको कितना चाल होगा, यानी देखिए दोस्तों 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई वायुयान मतलब हवाई जहाज चल रही है और 5 घंटा चलती है, यानी देखिए दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा कि 240 और गुणा में कितना होगा, 5 5, क्यों होगा कि 1 घंटा में 240 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर होगा, देखिए तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्म हो गया 1200 किलोमीटर। लेकिन अब बोल रहा है देन कि 1200 किलोमीटर को कितना देर में, देखो टाइम कितना दिया है, तो अब दूसरा जो टाइम दिया है कि ये जो टाइम है कितना देर में करना है, तो 1.2/3 दिया है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, तो 5/3 घंटा होगा। तो देखिए दोस्तों अब बोल रहा है तो इसकी चाल कितना होगा, यानी कि स्पीड बोल रहा है, तो स्पीड देखिए दोस्तों स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड मतलब क्या होता है, तो डी बटे कितना हो जाएगा टी, यानी कि डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर है 7200, अब बटे में क्या करना है, तो 5/3, तो यहाँ पर 1200 हो गया और 3 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे, देखिए कितना बार में कटेगा, तो 24/5 120, यानी कि जी 240, और 240 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो स्पीड होगा 24 3 72, यानी कि 720 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटे होगा। उसी प्रकार देखिए हमने लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन को सिर्फ तुम लोग अपने आप से ही बनाओगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन रहा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार करता है, तो उस आदमी का देखिए दोस्तों ये कोई आदमी है, तो ये जो आदमी है तो ये आदमी 250 मीटर चौड़ी यानी कि सड़क को यानी कि 250 मीटर चौड़ी सड़क को कितना में पार कर रहा है दोस्तों, तो 75 सेकंड में। तो देखिए
कितना अच्छा सा क्वेश्चन है कि इसको क्या करना है, तो इसका डिस्टेंस यानी कि चाल ज्ञात करना है, इसका स्पीड कितना हो जाएगा मतलब चाल। तो देखिए दोस्तों कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 250 और समय कितना है 75। लेकिन क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी देखिए मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि कम से बेसी में करना है तो क्या करेंगे, अधिक वाला ऊपर और कम वाला नीचे, हो गया। अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो कितना होगा, ये 50 बार में चल जाएगा, ये देखिए इधर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 25 दूनी क्या 50 और 25 की आई 75 और कितना हो जाएगा 36 18, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा इसका स्पीड होगा। तो यही दोस्तों क्वेश्चन रहा। अब ये एक क्वेश्चन और आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर की 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है, उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों यानी कि 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर रोड मैप है, मतलब देखिए 18 किलोमीटर के लिए कितना है 1.5 सेंटीमीटर का क्या है रोड मैप है। तो बोल रहा है कि वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, तो उस मैप में तय की गई दूरी कितना होगा। देखिए दोस्तों तो 18 किलोमीटर का कितना है 1.5 सेंटीमीटर का, तो इसलिए बोला है कि यदि ये 72 किलोमीटर चलेगा तो कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत आसान है, यहाँ पर इसका कितना गुना है, तो 4 गुना है, यानी कितना गुना है 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कर दो कितना हो जाएगा, देखिए 1.5 दूनी का 3 और 3 दूनी का 6, यानी कितना हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला राइट होगा। तो अब इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड होगा, तो जितना क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराए हैं 4 क्वेश्चन, ये अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, धन्यवाद।